वायरलेस नेकबैंड की दुनिया के अंदर वन प्लस के बुलेट्स वायरलेस Z2 की एंट्री फिर से हो चुकी है। आप लोगों ने हमको YouTube के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस बोले कमेंट के अंदर कि प्लीज इसकी एक क्विक रिव्यू लेके आ जाएं। तो हमने इसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो डाला था और अब हम आपके लिए इसका एक क्विक रिव्यू भी लेके आ गए हैं। वीडियो के अंदर सवाल ये पूछा गया है कि क्या 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट के अंदर ये आपको सबसे अच्छी साउंड क्वालिटी ऑफर करते हैं, चार्जिंग स्पीड कैसी है, कनेक्टिविटी कैसी है, साथ में जो कंफर्ट है लॉन्ग आवर्स पहनने का। इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण हाईटेक। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूं डिजाइन की ऑफ द वन प्लस बुलेट्स Z2। तो जो सबसे पहला मेरा बॉक्स से निकालते ही सबसे पहला इंप्रेशन था वो ये था कि जो डिज़ाइन है वो ओवर द टाइम इवॉल्व किया है एंड जो इसका नेक बैंड है ये कंफर्टेबल है एंड ये दिखता भी कंफर्टेबल है। अगर आप इसे लॉन्ग आवर्स पहनेंगे, 4 घंटे 5 घंटे अगर आप मेट्रो से कम्यूट करते हैं या लोकल ट्रेन से कम्यूट करते हैं, तो उन सिचुएशन के अंदर जो इसका मटेरियल है जिससे फिनिश हुआ है काफ़ी स्मूथ है एंड आपके गले के अंदर ये आपको इरिटेट नहीं करेगा लॉन्ग आवर्स के अंदर। साथ में ही ये स्वेट रेजिस्टेंट भी हैं, आई थिंक IPX55 रेटेड है, जिसका मतलब है कि आप इसको जिम में भी वर्कआउट करते हुए या फिर आप ब्राइट सनी आउटडोर्स में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप इसके अंदर स्वेट चला जाए, हल्का सा पानी चला जाए तो कोई इशूज़ इसके अंदर मेजर नहीं आएंगे। उसके साथ अगर मैं आपको इसकी एक और बात बताऊं तो ये डिजाइन के मामले के अंदर यहां पे आपको 3 बटन देखने को मिलते हैं, एक है वॉल्यूम प्लस, वॉल्यूम डाउन और एक है मल्टीफंक्शन बटन। मल्टीफंक्शन बटन को यूज करके आप इसमें क्विक स्विच का जो फीचर है जो आप दो डिवाइसेस के बीच में टॉगल करना चाहते हैं तो वो आप इससे एक्सेस कर सकते हैं, इसे लॉन्ग प्रेस करके देखेंगे तो कनेक्ट कर सकते हैं किसी नए डिवाइस से। तो ऑफकोर्स ऑल ऑफ दैट इज देयर एंड मैग्नेटिकली ये दोनों लेफ्ट और राइट वाले आपके ईयरबड ऐसे कनेक्ट हो जाते हैं एंड ये इसको पावर ऑन और पावर ऑफ का भी काम करते हैं। साथ में ही आपका ऑडियो ट्रैक अगर प्ले हो रहा है तो आप इसे निकाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तो डिज़ाइन के मामले में ये आई थिंक अपना जॉब ठीक ठाक करते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है डिज़ाइन के साथ साथ नेक बैंड वाले ईयरबड्स के अंदर कम्फर्ट कैसा है। कम्फर्ट के मामले में बेहतरीन है, मुझे पर्सनली कोई निराशा नहीं है। साउंड परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर वन प्लस के आज तक के सबसे बड़े ड्राइवर्स लगाए गए हैं। जी हां, 12.4 mm के इसके अंदर ड्राइवर्स मौजूद हैं, साउंड के जो ड्राइवर्स हैं। वेल, अगर मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाऊंगा और आपको सिंपल टर्म्स में बताऊंगा, जो इसकी साउंड आउटपुट है वो बेस हैवी है। जी हाँ, बेस पे और ट्रेबल पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। कई बार ऐसा भी लगता है कि मिड्स थोड़े उसकी वजह से और वीक हो गए हैं। मिड्स होते हैं जो आपके वोकल्स होते हैं, अकूस्टिक्स होते हैं, वो थोड़े डायल डाउन कर दिए गए हैं एंड जो प्राइमरी साउंड की ट्यूनिंग है, जो क्वालिटी है, जो आउटपुट है, जो प्रोफाइल है, वो है बेस की तरफ फोकस्ड। जी हाँ, अगर आप एक ऐसे ईयरफोन्स ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर आपको बेस हैवी म्यूजिक सुनना पसंद है तो डेफिनेटली आपको निराश नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप इससे हाई एंड साउंड एक्सपेक्ट करें या फिर आप एक्सपेक्ट करें कि इसके वोकल्स बड़े क्लियरली बड़े क्रिस्पली आपको सुनाई दें तो थोड़ा आप निराश ज़रूर हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं आपको इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं साउंड प्रोफाइल से रिलेटेड, तो अगर आप इसके अंदर लंबे आवर्स तक म्यूज़िक सुनना चाहते हैं तो वॉल्यूम जो है वो काफ़ी लाउड भी हो जाती है तो आप क्लियरली म्यूट आउट कर सकते हैं अपने आसपास की सराउंडिंग्स को एंड ऑफ कोर्स ANC एक्सपेक्ट नहीं कर सकते 2000 रुपये के प्राइस पॉइंट के अंदर, तो वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन लाउड काफ़ी हो जाते हैं, वॉल्यूम अच्छी हाई हो जाती है। अगर आप क्राउडेड जगह पे हैं तो वहाँ पे आप इसे डेफिनेटली यूज़ करके सारी चीज़ें म्यूट आउट कर सकते हैं। बेस बहुत हैवी है, ट्रेबल बहुत हैवी है। जो ऑडियो फाइल्स हैं, जो साउंड के एक्सपर्ट्स हैं, उनको ये पसंद नहीं आएगा। लेकिन मेरा ये पर्सनल मानना है मास मार्केट और जो लोग हैं जिनको बेस हैवी पसंद होता है गाने के अंदर, एंड एज इंडियंस हमको बेस तो ज़्यादा पसंद होता ही है, गाने भी बने हुए हैं इसके आसपास, तो डेफिनेटली वहाँ पे ये आपको इम्प्रेस करेगा। तो चलिए फिर अब बात करते हैं बैटरी लाइफ की एंड चार्जिंग की। वेल, बैटरी लाइफ ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ईयरफोन्स के अंदर एंड वन प्लस ने इस एरिया के अंदर डेफिनेटली काफ़ी इम्प्रेस किया है। वन प्लस ये क्लेम करता है कि 30 घंटे का बैटरी बैकअप आप इससे सिंगल चार्ज के अंदर निकाल सकते हैं अगर आप 50% पे वॉल्यूम में ऑडियो सुन रहे हैं।
मेरे यूज के अंदर अराउंड आप इससे 20 से 22 घंटे तो इजीली निकाल सकते हैं अगर आप वॉल्यूम के लेवल्स क्रैंक अप भी कर दें। एंड सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 10 मिनट के अंदर आप इसे चार्जिंग पे लगाएं तो आपको 20 घंटे का बैटरी बैकअप इसके अंदर से इजीली मिल जाता है। तो चार्जिंग के मामले में, बैटरी के मामले में टॉप मार्क्स। आई डोंट थिंक इस प्राइस पॉइंट के अंदर और कोई ईयरफोन्स आते हैं नेकबैंड वाले जो ऐसी बैटरी लाइफ आपको ऑफर करते हैं। बिल्कुल भी आप निराश नहीं होंगे बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में। तो अगर आपका बजट है 2000 रुपए के आसपास तो आपको मार्केट में ऑप्शंस मिलते हैं ओप्पो की तरफ से भी M32। ओप्पो एंको M32 की जो ओवरऑल साउंड क्वालिटी है वो ऑडियो फाइल्स को थोड़ी ज़्यादा इंप्रेस करेगी, लेकिन अगर आपका प्राइमरी एजेंडा है बेस, आपको चाहिए हैवी बेस, आपको चाहिए हैवी ट्रेबल एंड बैटरी लाइफ और फास्ट चार्जिंग, तो ओप्पो M32 से बेटर है OnePlus के ये बुलेट्स वायरलेस Z2। जी हाँ, बेस जैसा मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत बारी बोल दिया है उसके अंदर काफ़ी एक्सेल करते हैं, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी एंड लाउड हो जाती है, जो वॉल्यूम के लेवल्स हैं वो भी टॉप पे जाके भी डिस्टॉर्ट नहीं होते हैं, जो कि मुझे पर्सनली एक अच्छी एडवांटेज लगी। गेमिंग करनी है तो लेटेंसी ऑफकोर्स आपको ब्लूटूथ वाले ईयरफोन्स के अंदर तो मिलेगी। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो डेफिनेटली वायर्ड ईयरफोन्स आर स्टिल द बेस्ट, लेकिन अगर आपको म्यूजिक सुनना है, आपको मूवीज देखनी है, सिनेमा देखना है, मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, बेस हैवी ट्रेबल हैवी एक्सपीरियंस चाहिए, लुक नो फर्दर, मेरे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप वोकल्स की तरफ, अकूस्टिक्स की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था एक और प्रोडक्ट है इस प्राइस पॉइंट में जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। मैं हूं अनुराग त्यागी, आप देख रहे हैं जागरण आईटेक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।